देना है। देख के सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं जितने भी लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ तो वो खुद के घर से खुद का थैला लेके आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसी को हमें प्रमोट करना है। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जितने भी हमारे सब्जी वाले, जितने भी भाजी वाले काका काकू, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। अभी क्या होता है कि जो सब्जी होती है उसका हम लोग खत बना सकते हैं, उसको हम लोग कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, तो उसको उसका जो कचरा है उसको कहीं और डालना है हमें। अभी क्या हो रहा है, एक साइड में आप देखिएगा तो जहां पे पिशवी रखा हुआ है, थैलियां रखी हुई है, वहीं पे अपने ये साग सब्जी का भी कचरा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो कचरा किसी काम का नहीं हो रहा, वो किसी काम का नहीं जा रहा। वो सन्माननीय नगर सेवकांच्या वतीने सर्व राजीवनगर शहराच्या नागरिकांच्या वतीने अशी विनंती आहे की प्लास्टिक मुक्त राजीवनगर होण्यासाठीची आपण मदत करायची आहे। परवा दिवशी राज्य शासनाने पण याच्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे की प्लास्टिक बंदी घातलेली आहे, तर या सगळ्या नियमांची अंमलबजावणी होण्यासाठी आपण सर्वांना विनंती आहे, निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याला पर्याय म्हणून कापरी पिशव्या देण्याचं काम या ठिकाणी नगर परिषदेने चालू केलेलं आहे। तर राजीवनगर नगर परिषद महिला बचत गटांना रोजगार मिळावा आणि राजीवनगर संपूर्ण राजीवनगर शहरामध्ये कापडी पिशव्या नागरिकांच्या वापरात यावा म्हणून राजीवनगर मधल्या सर्व नागरिकांकडनं जुन्या साड्या, ज्या वापरत नसलेल्या साड्या, त्या घेऊन त्या कापडी पिशव्या शिवण्याचं काम राजीवनगर परिषदेमध्ये चालू आहे। अनेक महिला बचत गटांना या माध्यमातून काम देण्यात आलेलं आहे। तर माझी आज या ठिकाणी आपल्याला एवढीच विनंती आहे, जे जे लोक बाजारात व्यापारी असतील, शेतकरी असतील, नागरिक असतील, तर ह्या नगरपालिकेने घेतलेल्या चांगल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार्य या ठिकाणी करायचं आहे। आपण नागरिकांना सांगितलं, रहिवाशांना सांगितलं की प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरू नका, कापडी पिशव्या वापरा। लोकांना कापडी पिशव्या आणण्यासाठी जर सांगितलं तर ते प्लॅस्टिक मुक्त राजगुरनगर करण्यासाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम होणार आहे। आपल्याला देखिए, राजगुरुनगर आज एक क्रांती के दौर से गुजर रहा है। आज मैं आपको बता दूं, यहाँ का बच्चा बच्चा, हम लोग स्कूल्स में घूम घूम के, आप जो चीज हम लोग गलतियां कर रहे हैं, जो बड़े लोग गलतियां कर रहे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपके बच्चों ने आपके बारे में बताया होगा कि उन्होंने कसम खा ली अपने अंदर में कि मी माझी आईची शपथ घेतो कि मी कभी कचरा करणार नाही। उन्होंने अपने अंदर ये शपथ ले ली है। मैं अभी 5 मिनट पहले संतोष नाम के एक छोटे से बच्चे से मिला जो यहाँ जिला परिषद के स्कूल में था। वो आके बोलता है, काका जहाँ पे कचरा रहता था वहां पे अभी हमने डस्टबिन लगा दिया है। अभी सोचना यह है कि जब छोटा बच्चा बदल रहा है, वो छोटा बच्चा इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप देखिए बगल का सब्जी मंडी में क्या है, वहां पे जो बीच मार्केट का सब्जी मंडी है उसका सारा कचरा उस नाली में जाता है। पहले वो नाला नहीं था, वो नदी थी, वहां साफ पानी हुआ करता था। आपसे बेहतर कोई नहीं जाता होगा, जितने लोग राजगुरुनगर में रहते हैं आप सबको पता होगा कितना साफ था वहां का पानी। आज देखिए वो कचरा हो गया है, गंदा नाला हो गया है। वो गंदा नाला कैसे हुआ, कोई बाहर से आदमी थोड़ी आया है, हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार से चलो इसी में डाल देते हैं कचरा। कृपया ये जो मार्केट है इसको थोड़ा सा हम लोग और अपलिफ्ट करेंगे। अभी जैसे सचिन दादा यहाँ पे जितने भी मैं मिला हूँ, जितने भी नगर परिषद के सदस्य लोग हैं, वो सभी लोग आज के डेट में मेहनत करने को तैयार, पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से राजगुरु नगर को साफ किया जाए। काकू आपका जिम्मेवारी बनता है थोड़ा सा इसको, जितने भी लोग अभी मेरी आवाज जा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, उनके पास मेरी आवाज जा रही होगी, वो अपना काम कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सोचती है कैसे इसको प्लास्टिक को हम लोग बंद कर सकते हैं, बताएंगी? जेवढी भी व्यापारी आहे सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी की आपला आपला कचरा कुंडीतच टाकला गेला पाहिजे, नाही टाकला तर 500 रुपये जागेवर दंड देण्यात येईल। वाह इसी की जरूरत है क्योंकि देख लीजिए, साम का मतलब होता है समझाना। हमने समझा के भी देख लिया है साम दाम। हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि हम आपको हर चीज मुहैया कराने को तैयार है, लेकिन दंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक समाज में डिसिप्लिन बन सके। हर आदमी इस चीज को समझ, मिल करके इसको साफ करना है, ये सोच करके आइए, ये सोच करके जुड़िए कि अभी दंड तक हम लोग ना पहुंच पाए उससे पहले, क्योंकि ये सोच लीजिए अपना शहर है, अपना घर है।
अपना घर है, अपना शहर है। बस इतनी याद रखिए कि गंदगी नहीं करना है। बहुत आप सबों को शिवाजी महाराज की कसम है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अगर वो महाराज से सच्चा प्यार करता है, अगर वो महाराज से सही में प्यार करता है, अगर वो ये मानता है कि शिवाजी महाराज ने हमारे लिए कुछ किया है, शिवाजी महाराज ने हमारे लिए स्वराज का निर्माण करने की बात की थी, जो वो स्वराज यही है, अगर हम उनके राज्य को साफ सुथरा ना रख सके तो मैं आपको कहता हूँ आपको माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबों को कसम है शिवाजी महाराज की कि ये उनका राज्य है, ये उनका स्वराज्य है। आप में से